पद्मावती जी के गौरवपूर्ण इतिहास से पूरा देश अच्छी तरीके से वाकिफ है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्मित फिल्म पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़ करके कुछ काल्पनिक दृश्यों को जोड़ा गया है। राजपूत समाज के सभी लोगों का ये सीधा सीधा कहना है कि इतिहास में जो चीज़ें जिस तरीके से दर्ज हैं, पीरियड फिल्म बनाएं, लेकिन उसके गौरव के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। इससे पूरे राजपूत समाज की भावनाएं आहत हैं और पूरे देश में ये उग्र गौर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आज भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम जी, बहन सोलंकी जो पद्मावती सेना की प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे क्षत्रिय महासभा और अन्य संगठनों के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है संजय लीला भंसाली का पुतला जला, और साथ ही सेंसर बोर्ड और इंदौर के जितने भी टाकीज हैं उन सबको क्षत्रिय महासभा द्वारा पत्र लिखा जाएगा कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना समाज में और देश में अव्यवस्थाएं फैलाने की तैयारी है। तो इस तरीके से ना करते हुए, चूंकि फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड भी है, वो देखे कि इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं उसी तरीके से यदि फिल्में बन रही हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। पद्मावती जी ने अपना अस्मिता बचाने के लिए, देश की अस्मिता बचाने के लिए हजारों महिलाओं और रानियों के साथ में जौहर किया था और अपने शरीर को, अपनी ज़िंदगी को आग के हवाले किया था। ऐसी गौरवपूर्ण जो व्यवस्था है जिनको हम माँ का दर्जा देते हैं, उनके साथ यदि कोई फिल्मकार छेड़छाड़ करेगा तो राजपूत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, कड़े आंदोलन किए जाएंगे।